हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम महल फास्ट फूड वालों के पास आए हैं, जिनका बर्गर अमृतसर में काफ़ी फेमस है। तो सारा खुद भैया बनाते हैं और 15 साल से भैया यही काम कर रहे हैं, बर्गर का और चाइनीज़ जो आइटम्स बनाते हैं। तो इनके रोल्स भी काफ़ी फेमस हैं और चौमी भी काफ़ी फेमस हैं, बट हम इनका जो बर्गर है वो आज ट्राई करने आए हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं भैया से बात। तो उससे पहले थोड़ा सा आपसे एड्रेस शेयर करता हूँ। देख रहे हैं, ये टाउन हॉल एरिया है और इसको कोतवाली भी बोलते हैं, जो गोल्डन टेम्पल की तरफ से ही इधर को आता है। तो सामने बिल्कुल भैया की दुकान है और बिल्कुल पास में बैंक ऑफ इंडिया है। तो चलिए गाइस, करते हैं भैया से बात। मेरे साथ है दुकान के ओनर। तो नमस्ते भैया। नमस्ते। तो भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। तो आपको बर्गर का काम करते कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल से आप काम कर रहे हो। तो क्या स्पेशलिस्ट है आपके बर्गर की? बर्गर मेन है मेरा जो आलू टिक्की हो गया और जो गार्लिक सॉस हो गया, उससे काफी टेस्ट आता है, उससे काफी फीलिंग होता है। रोल्स वगैरह भी काफी फेमस है। रोल होता है, ऑयल फ्री होता है, इसके अंदर कोई ऑयल नहीं होगा। हाँ, चाहे पतली लेयर में आप बनाते हो। पतली लेयर में बनाते हैं, चाहे आप इसके टिश्यू पेपर यूज कर लो, इसके ऊपर ऑयल नहीं मिलेगा, ऑयल नहीं मिलेगा। तो और इसके अलावा बर्गर कैसे आप खुद तैयार करवाते हैं? मैं जो अपना सामान खुद का तैयारी करता हूँ। अच्छा, खुद अपना सारा सामान सॉस वगैरह आप तैयार करते हो? खुद आते हैं मेरा अपना। और बर्गर बेकरी से? हाँ, बर्गर बेकरी से। तो ठीक है भैया, हमारे लिए भी आप बर्गर तैयार कीजिए। लो लो, हम अपने दोस्तों को बताएं टेस्ट करके। करने लगे हमारे लिए तैयार। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ काफी जो बर्गर है आप स्पेशल तैयार करवाते हो? हमारे बेकरी से खुद के तैयार करवाते हैं आप? अच्छा, खुद तैयार करवाते हो आप? तो माल मिलते हैं ऐसे ही नहीं मिलेंगे आपको? ओके ओके। तो क्या क्या इसमें डालोगे वो तो हम साथ में देखेंगे। हाँ, इसमें आज डालेंगे आलू टिक्की हो गया, प्याज वगैरह हो गया। अच्छा, और प्याज टमाटर आलू की टिक्की सारा कुछ पड़ेगा हमारा, सारे कुछ पड़ेगा। तो सो गाइस, अच्छा सॉस के बारे में बताइए कुछ अपने। ये सॉस जो ये कह रहा है ग्रीन चिली, ये कह रहा है चिली जो जिसको गार्लिक बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये खुद तैयार करते हो आप? सारी तो मैं देख रहा हूँ, वो शेजवान सॉस है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, ये भी बर्गर में डलने वाली है हमारे। ठीक है जी। तो गाइस देखिए, बन रहा है ये है अब आलू टिक्की। हाँ, ये आलू टिक्की। तो इसके बारे में बताइए कैसे तैयार करते हो? इसके अंदर जिस तरह हल्का बेसन होते हैं और अरारोट होते हैं, आलू होते हैं, प्याज इसके अंदर होते हैं, कुछ मेथी वगैरह मैं देख रहा हूँ इसमें। हाँ, इसके अंदर मिक्स होते हैं सारे वैरायटी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो सुनील भैया काफ़ी फेमस हैं अपने ये। भैया क्या ये एरिया पड़ता है? कटरा बगिया। कटरा बगिया, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास में हो आप। तो सो गाइस, काफ़ी खुशबू आ रही है। तो अभी तैयार करेंगे बर्गर और सॉस वगैरह भी सारी सभी डलेंगी भैया? हाँ, हमारी इसके अंदर सारी डलेंगे। ठीक है जी। देखिए गाइस, तैयार कर रहे हैं भैया अपना फेमस बर्गर। सो गाइस, कभी भी आप अमृतसर आए तो गोल्डन टेम्पल आकर, तो बिल्कुल सामने टाउन हॉल है, टाउन हॉल के बिल्कुल साथ में ही कटरा बगिया है, वहाँ पर भैया की शॉप है। तो भैया क्या टाइमिंग है शॉप की? शाम को 5 से रात को 10 बजे तक। शाम को 5 बजे आ जाते हो? हाँ। 10 बजे तक। और संडे को? संडे को ओपन है मतलब? हाँ। ठीक है। तो ये प्याज आ गए हमारे भैया पहले। हाँ। हमने सुना है आपके जो स्प्रिंग रोल है वो भी बड़े फेमस हैं। हाँ, वो ऑयल फ्री होते हैं इसके। अच्छा, ऑयल फ्री होते हैं। तो उसमें क्या क्या फिलिंग करते हो? नूडल्स की होती है बस? नूडल्स होते हैं, उसके अंदर गाजर वगैरह शिमला मिर्च सारी मिक्सचर होते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। मुझे हमारा टमाटर आ गया। तो भैया क्या कॉस्ट रखी है बर्गर की? हाँ जी, 20। ओनली 20 रुपये? हाँ। क्या बात है, और बहुत ही बढ़िया भैया कर रहे हैं तैयार। तो अब कौन सी सॉस आएगी पहले? ये टमाटो सॉस है। सबसे बड़ी बात है ये खुद सारा तैयार करते हो आप ना, सॉस भी खुद तैयार करते हो? ये हमारी ग्रीन चिली आ गई हमारी। क्या बात है जी। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया टेम्पटिंग बर्गर बनने वाला है हमारा। ये है जी स्पेशल, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शेजवान कह सकते हो भैया। कुछ बता सकते हो ये कैसे तैयार करते हो? इसके अंदर लहसुन होते हैं, अदरक होते हैं और टमाटर पेस्ट होते हैं और काफ़ी अजीनामोटो वगैरह होते हैं इसके। अच्छा, इसके मतलब इसको तड़का वगैरह भी लगाते हो कुछ? अच्छी तरह पहले भूनना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके। तो ये हमारी कैबेज आ गई अब। तो 20 रुपये दोस्तों बहुत ही जनरल प्राइस है आज के टाइम पर। तो बर्गर का साइज़ भी काफ़ी ठीक है, एक बंदे के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अब हमारी क्या डलने वाली है? मेयोनीज आने वाली है। तो भैया बता रहे थे मेयोनीज भी हम बढ़िया कंपनी की लाते हैं ना? हाँ। क्या बात है, मेयोनीज, ये मेयोनीज आ गई हमारी। तो सो गाइस, आप चेक कर सकते हो क्वालिटी भी काफ़ी है। ये हमारे थोड़े से चौमिंग आ गए हमारे,
क्या बात है, ये काफ़ी हैवी बर्गर बनने वाला है ये। तो महल बर्गर वाले काफ़ी फेमस हैं कटरा बगिया में। तो ये ऊपर से भैया ने अब सैंडविच करने वाले हैं। तो ये सिल्वर में है, इसको आप करोगे, क्या बात है। ये सिल्वर कॉयल से भैया ने पैक कर दिया। तो ये अब हमारा खाने के लिए रेडी है ना। भैया ने कर लिया इसको पैक कॉयल से, अब इसको काट लेंगे ना भैया। तो अब प्लेटिंग करेंगे भैया, इसके अंदर गार्लिक सॉस होंगे। तो गार्लिक सॉस के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे दोस्तों। मेयोनीज होगी इसके साथ, थोड़ी सी मेयोनीज भी आप ले सकते हो, और रेड चिली तो ग्रीन चाहिए वो भी मिल जाएगा, वो डिमांड के ऊपर है ना भैया। तो सो गाइस देखिए, ये 20 रुपये का बर्गर है भैया का, बहुत ही फेमस है। तो चलिए गाइस करते हैं टेस्ट, फिर बताते हैं कैसा। सो गाइस कर दी भैया ने प्लेट तैयार, तो काफ़ी सॉफ्ट हमारा बर्गर तैयार हुआ है। तो बाकी आपने देखा ही है कैसे भैया ने तैयार किया था। तो ये देखिए, चलिए लगाते हैं साथ में गार्लिक वाली सॉस। तो वाकई में काफ़ी सॉफ्ट है, और आलू की टिक्की का काफ़ी इसमें फ्लेवर आया है, और साथ में जो भैया ने अपनी जो गार्लिक वाली सॉस तैयार की है वो तो बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस अपना प्यार मुझे आप ऐसे देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।